हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर AMCA के विंड टनल मॉडल की एक फ़ोटो जो है वो निकलकर सामने आई है, जिसमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये फाइनल मॉडल कहा जा सकता है और AMCA जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखने वाला है। तो इसमें कुछ डिज़ाइन डिटेल्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल डेटा पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि इस फोटो के साथ वो चीज़ नहीं आई है, तो ये हमारे स्पेकुलेशंस हैं और हमारे स्पेकुलेशंस जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में लेकर चलिएगा, ये काफ़ी इनिशियल स्टेजेस हैं और क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम श्योरिटी के साथ किसी चीज़ को नहीं कह सकते। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है विंटनल मॉडल में जो कुछ चीज़ें दिखाई गई हों उसमें फ्यूचर में चल के चेंजेस आए। तो एयर इनटेक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, DSI एयर इनटेक यहाँ पर दिया गया है, यानी कि डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट। तो ये एयर इनटेक जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। आपको F-35 में दिख जाएगा, J-20 में दिख जाएगा और J-35 में दिख जाएगा। काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, मैकेनिकली चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये अच्छे से काम भी करता है। बाकी फ्रंट में क्लियरली आपको IRST सेंसर जो है वो दिख जाएगा। ये सिमिलर डिज़ाइन है जैसा कि SU-57 में है, Su-30 MKI में है और MiG-29 में है। यहाँ तक कि आपको KF-21 में भी ये दिखाई देगा। बाकी अमेरिकन जेट्स जो हैं वो EOTS को यूज़ करते हैं, जो कि नोज के नीचे होता है, और सिमिलर पैटर्न आपको दिख जाएगा J-20 में और J-35 में। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो फ्रंटल RCS है वो थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर EOTS को ऊपर क्यों रखा गया है, ये समझने वाली बात है। हो सकता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में निकल कर सामने आए, क्योंकि एरो इंडिया में जो AMCA के मॉडल रखे गए थे उसमें जो IRST सेंसर है वो ऊपर नहीं था, और ये आप स्क्रीन में दी गई फ़ोटो पर देख सकते हैं। तो उस समय स्पेकुलेशंस ये थे कि जैसा कि F-35 में, J-20 में EOTS को यूज़ किया गया है, जो कि बेटर माना जाता है फ्रंटल आर्चर्स के लिए, उसको AMCA में यूज़ किया जाएगा। पर यहाँ पर विंटनल मॉडल को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं है, और इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो अरेंजमेंट जो है वो हमको आमका Mark II में देखने को मिले। बाकी कॉकपिट के पीछे एक सेक्शन जो है वो उठा हुआ दिख रहा है, ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो सकता है, जो कि F-35 के डैश की तरह हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की तरह हो सकता है। तो F-35 का जो डैश है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, वो एयरक्राफ्ट के आर पार पायलट को देखने में मदद करता है और जो थ्रेट हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर से आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वो बहुत अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। और अभी के लिए उस लेवल पर हम यहाँ पर चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो सकता है और ऐसे कुछ सेंसर जो हैं वो एयरक्राफ्ट को कवर करते होंगे और 360 डिग्री की सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड कराते होंगे। बाकी इसके ठीक बगल में एक और पॉइंट उठा हुआ दिख रहा है, जो कि इसकी इंटरनल कैनन हो सकती है, ऐसे स्पेकुलेशंस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, पर ये काफ़ी ऑड पोजीशन जो है वो लगती है इंटरनल कैनन के लिए। और अगर इंटरनल कैनन जो है वो कम्प्लीटली इंटरनल हो तो ज़्यादा बेटर, अगर वो ऐसे बाहर रहेगी तो फ्रंटल RCS जो है वो और भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। F-35 और F-22 के मामले में जो कैनन है वो कम्प्लीटली इंटरनल रहती है, सरफेस में दिखाई नहीं देती, और जब फायर करना होता है तो उसका हैश खुलता है और तब गन बाहर निकल कर आती है और फायर होती है। तो अगर वैसी अरेंजमेंट हो ज़्यादा बेटर, और हम एक्सपेक्ट भी वही कर रहे हैं, अगर ये बाहर कैनन रहेगी तो डेफिनेटली ये फ्रंटल आर्चर्स के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। बाकी पीछे वर्टिकल टेल को देखें तो ये फिक्स्ड है, ऑल मूविंग नहीं है, जैसा कि J-20 में है, SU-57 में है और YF-23 में थी। बाकी बीच में छोटा सा सेक्शन आपको उठा हुआ दिख सकता है, जिसमें एक छेद जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये हीट एक्सचेंजर है, जो कि दिया जाता है ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को कूल करने के लिए। तो ये थोड़ी सी ऑड अरेंजमेंट दिखाई देती है कि एयरक्राफ्ट के मिडल में जो हीट एक्सचेंजर है उसको लगा रखा है और वो बाहर निकला हुआ है, और ये आपका एक स्टेल्थ फाइटर है। अगर आप F-22 और F-35 को देखेंगे तो उसके हीट एक्सचेंजर को उसके स्ट्रक्चर में ढूंढना मुश्किल है। सामने आपके पिक्चर है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो डेफिनेटली पॉइंट आउट करिए, बाद में हम कम्युनिटी पोस्ट में इस चीज़ को पॉइंट आउट करके दिखा देंगे कि कितना डिसेंटली इसको डिज़ाइन किया गया है कि एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर जो है उसमें ये अलग से बाहर निकलता हुआ ना दिखाई दे। ओवरऑल हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर ये है कि हो सकता है जो आमका Mark I है वो कम्प्लीटली स्टेल्थ वर्जन ना हो, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी कि आमका के दो वर्जन होंगे या फिर दो कन्फिग्रेशन होगी, एक स्टेल्थ और एक नॉन स्टेल्थ। और हमें ऐसा पर्सनली लगता है, ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर दें कि ये पर्सनल ओपिनियन है,
हम गलत भी हो सकते हैं कि आर्म का मार्क 1 जो है वो नॉन स्टेल्थ वर्जन होगा जिसका आरसीएस काफ़ी कम होगा और ये कंप्लीट स्टेल्थ में फ्यूचर में कन्वर्ट किया जा सकेगा आर्म का मार्क 2 के आने के बाद। तो इसमें इंटरनल वेपन बे भी होंगे बट हमें ऐसा नहीं लगता कि वो फंक्शनल होंगे और इसको कहने के पीछे रीजन ये है कि इंटरनल वेपन बे से वेपन्स को लॉन्च करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हर तरह के वेपन्स जो हैं वो आप इंटरनल वेपन बे में नहीं लगा सकते। कुछ वेपन्स भी आपको ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं इंटरनल वेपन बे के हिसाब से और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आर्म का मार्क 1 की बात करें तो यहाँ पर टाइमलाइन जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाई करने के बाद और उसके इंडक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा समय जो है वो नहीं रखा गया है और इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है कि अगर नॉन स्टेल्थ वर्जन में पहले एयरक्राफ्ट को निकाला जाए क्योंकि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो आपका फिफ्थ जनरेशन ही है। फ्यूचर में आप चीज़ों को सर्टिफाई करके बड़े आराम से अपग्रेड कर सकते हो, साथ ही साथ एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट जो है वो आप कम से कम समय में इंडक्ट कर पाएंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे कि टेक्नोलॉजी आ जाए उसके बाद हम एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा जो कि बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। साउथ कोरिया ने KF-21 के साथ यही किया जो कि एक काफ़ी अच्छा मूव है और अगर यही ट्रेंड जो है वो आर्मका के साथ फॉलो होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बुराई इसमें बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में भी जो एयरक्राफ्ट है वो आपका 4.5++ जनरेशन का होगा। अगेन यहाँ पर हम ये चीज़ रिपीट करेंगे कि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे स्पेकुलेशंस हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हम यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ गलत होते हैं आर्म का मार्क 1 कम्प्लीटली फिफ्थ जनरेशन फाइटर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सही होते हैं तब भी अच्छी बात है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में टाइम लगता है, टेस्टिंग पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा जाता है, ये हमने J-20 और SU-57 के केस में देखा है। प्रोटोटाइप के फ्लाई करने के बाद जो समय है वो अच्छा खासा लगा है क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है। हमने LCA-23 को डेवलप किया है जो कि 4 या फिर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन जब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात आएगी तो यहाँ पर कई डिफरेंट तरह की टेस्टिंग जो है वो जुड़ जाती हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं की होंगी, तो कई चीज़ों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो है वो हमें मिलेगा, इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। और क्योंकि हम टाइट शेड्यूल में काम कर रहे हैं तो दो वर्जन बनाने का यहाँ पर फ़ायदा हमें मिलेगा क्योंकि पहले वर्जन को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टॉप वर्जन नहीं होगा तो हम उस प्लेटफॉर्म को सर्विस में वैसे ही इंडक्ट कर सकते हैं, तो कैपेबिलिटी में वहाँ पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। वहीं पर जब दूसरा वर्जन निकल कर सामने आएगा तो पहले वर्जन को उस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सकेगा। आई होप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए